सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डेलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजिशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफ़ी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मास्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलेटरी स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। अध्यक्ष महोदय वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मास्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय,
जैसा कि सभी सामान्य सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं।